क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया कि ये चीज अब मस्जिदों के अंदर नहीं होगी। अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। मुझे दिल से तकलीफ होती है, इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि वो अब वो सऊदीया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े हैं। लेकिन इस्लामी ममालिक ना सिर्फ ये सब होता देख रहे हैं, अफसोस के साथ कहूँगी। ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान है, इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट। सऊदी अरब की जो विमेन है, ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। और सुने, उन्होंने कहा जी जो भी मना करने आएगा हम उनको कैमरा लाव करेंगे, आम या बीवी दंडिका कर सकते हैं, क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे। हनीमून भी सऊदी अरेबिया में हनीमून भी मना करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। इसका मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। जाहिल कौन हुआ? जिसके हम जाहिल हुए। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बाकी इस्लामिक कंट्री में कुछ होगा तो ये बीच में अपना चाटू जरूर रोड़ेगा। और बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ना हिंदू है ना मुसलमान है। पाकिस्तान वो धोबी का कुत्ता है जिसे ना कोई हिंदू राष्ट्र भाव देता है और ना कोई इस्लामिक कंट्री, ये बीच में लटक गया है, कहीं का नहीं रहा। जो सऊदी अरब है उसमें काफी चेंज होते जा रहे धीरे धीरे। अभी उन्होंने जो नया फैसला सुनाया है कि जो रमजान में या रमादान में जो भी होता है, इधर उधर हो जाए माफ कर देना, तो वो जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज धीरे रहेगी। इस पर पाकिस्तानियों का क्या रोल है मैं पूछती हूँ, लेकिन इनको तो बीच में अपनी नाक घुसेड़नी है, तो चलिए इसी बात पर आनंद उठाते हैं। सर, तन से जुदा वाला फतवा लगाने वालों के ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि आपने फतवा कैसे लगा दिया? कोई जरूरत, वो उन्होंने तो अपने जो है ना फेम हासिल करने के लिए नारा बनाया था, हमें बड़ी मोहब्बत है। वो ठीक हो गए, मोहब्बत किसी के दिल में आप उसके देख सकते हैं? नहीं नहीं, तो फिर और सिर्फ नारे से देखो। हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज है, ठीक है, समझ आई ना? उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तौहीन करने वालों को भी ठीक हो गया माफ कर दिया, जो ये वो कहते हैं जी मिट्टी डालती थी या कूड़ा फेंकती थी। हाँ, और माफ कर दिया, समझ आ गई ना? और हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरे नंबर पे इन्होंने जो ये बात की है कि हम मुसलमान ही तब हैं कि जब हम अपने नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्हें अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। पता क्या जी, आपने बात की है इंडियन वजीर खारजा की, जी जी, ये भाई ने बोला, मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी, अल्लाह के नबी का फरमान है कि मक्के और मदीने में एक वक्त में, उससे पहले उससे पहले दाखिला था, लेकिन एक वक्त में अल्लाह के नबी ने हुक्म सादर फरमाया मक्के और मदीने में गैर मुस्लिम का दाखला बंद है, बंद है। अच्छा, वो, ये, वो अच्छा, वैलेड, सर, वैलेड बात जो है ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये जो कोई दाखला बंद नहीं हुआ, हरम जो ये पाबंदी है ना ये सिर्फ मक्का के लिए है भाई। बाकी सब सीरियस बातें एक साइड में छोड़ो, ये बंदा देखो इतनी मोटी दातुन कौन करता है, पूरा पेड़ ही उखाड़ के मुंह में ठूस लिया। मदीने पाक के लिए अब भी नहीं है वो पाबंदी, समझ आ गई ना? एक मिनट, हरम में है ना जी, हरम में है पाबंदी। आपको पता है वो गए किस काम के लिए थी, वो जो उनकी एक वजीर गई थी? नहीं भाई, मैं 12 साल रह के आया हूँ, मैं सऊदी अरब में रह के आया। एक बार मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है, समझ आ गई ना? हर मेरी बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए, यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे तो ये तक गवारा नहीं होता है। तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मतलब फिकर की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी धो ले, वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती है। तो कौन सा दीन हम भेज रहे हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो वो क्या लेगा? देखो, हरम में जो दाखला बंद है ना, ठीक है, ये नहीं देखना कि वो गई किस मकसद के लिए, ठीक है, हमने अल्लाह के नबी का फरमान देखना, ठीक है। अगली बात ये रह गई कि सर तन से जुदा, ठीक है, गुस्ताख रसूल का जी, अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने पहला गुस्ताख रसूल जो है ना अबू लहब,
उसको खुद सजा दी है। ठीक है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक मुनाफिक मुसलमान की गर्दन उतारने पे साबित कर दिया और अल्लाह ने उस पर मोहर लगाई। सर इसका फैसला कौन करेगा कि इसमें गुस्ताखी की है? इसका फैसला स्टेट करेगी। हाँ ये बात है ना, तो मैं और आप तौर पे नहीं, मेरी बात सुने, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट की बात हो लेने दो, जाती तौर पे नहीं, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट, जाती तौर पे नहीं। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब अपना मुसलमान कजाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, उसको वार्निंग दी तीन दफा और चौथी दफा इलाने जंग कर दिया। ठीक हो गया सर, स्टेट ने किया, स्टेट ने बस यही बात करे ना, जिनका काम है उसे साबित करे, जो करे, जब आपके ईमान का जुज है एक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे साबित करे और सजा दिलाए, जिनकी सजा देने वाला बस तौर कोर्ट में साबित करना चाहिए, अदरवाइज ऐसा होगा मेरी इनसे दुश्मनी होगी। मैं सोचूंगा कि भाई ये और ये सियालकोट में मेरे भाई को मैनेजर थे, फैसलाबाद में हुआ है, जड़ावाला में हुआ है, ये इसी तरह हो रहा है। ये कानून को इंफरादी तौर पर कानून को हाथ में लेने का किसी को, किसी शहरी को भी हक नहीं है। और ये बात आपकी दिलदारी हुई है, आप मुतलका फॉरम पे जाए, समझ आए, उन्हें कहे अदलिया है, पुलिस वाले हैं, और कोर्ट में साबित करें, कोर्ट में साबित करें, पूरी दुनिया में ठीक हो गया, एक पूरी दुनिया में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मैं कहता हूँ आप ना इस बात का प्रचार करें कि इल्म हासिल करें, इस बात का हम इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि इक्वालिटी लेके आए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट दें। सर क्या कहेंगे आप? बाकी ये जो बात है ना जी, ये इंफरादी तौर पे किसी को सजा देना ये गलत है, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेट, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट पूरे प्रूफ लेती है, एजुकेशन पे वर्क करें, स्टेट पूरे प्रूफ लेती है, उसके बाद फिर उसको मुजरम करार देती है या नहीं देती। हर पे इल्जाम लगने वाला पहले वो मुल्जम होता है, ठीक है, उस पे इल्जाम लगाया, लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है ना, पेश किया जाता है, सिर्फ रश लग जाता है जी, उसने ये गुस्ताही की, और नहीं नहीं वो गलत है, वो गलत है, और जज्बाती फैसले इस बात की दीन इजाजत नहीं देता। जबरदस्त हो गया, अल्लाह अल्लाह और ना उसके नबी इजाजत देते हैं कि आप ऐसा करो, ठीक हो गया, ये बिल्कुल गलत है। और यही चीजें हैं, जब तक हम इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीजों के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, हम डरते हैं। अच्छा, असल में इसकी वजह ये है कि हमारी इस्लामिक स्टडी नहीं है, इस्लामिक स्टडी हमारी वैसे भी स्टडी नहीं है, हमारी वैसे भी एजुकेशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इल्म इल्म सिर्फ हदीस और कुरान है, ठीक है, बाकी सब फन है। अच्छा, यानी ये दुनिया की एजुकेशन है, फन है। देखो, एक बच्चा उसने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद उसको देखना है कि इसको किस लाइन पे लगाना है। आपको पता है कुराने पाक में बोला गया आप एजुकेशन हासिल करो, गौर व फिक्र करो, आसमान तक जाओ, यहाँ ऐसे ही, ऐसे ही तो आप कह रहे हैं वो फन है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये भी फन जो है ना, ये इल्मी फन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फन इल्मी है, लेकिन ये जरूरी कितना है आज के दौर में? एक मिनट, ये है जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि दुनिया और दीन और दुनिया लाजम मलजूम है। लाजम मलजूम से क्या मुराद है? अगर हदीस और कुरान का इल्म वो जरूरी है ना, तो ये भी इल्म ये भी जरूरी है, लाजम मलजूम है। ये नहीं कि आप एक को छोड़ दें और दूसरे को अपना लें, अगर और दूसरे को छोड़ें और तीसरे को अपना लें, ऐसे नहीं है। पॉकेट में आज ये मोबाइल है, ये किस वजह से है? दीन की नॉलेज की वजह से? आपकी आंखों में ये ग्लासेस है, किस वजह से है? नॉलेज की वजह से। अगर ये आप असल पूछे ना, हाँ हाँ, तो इसका दायरा जो है ना, वो अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान है। ये मोबाइल यानी कुरान पाक, हर चीज, फॉर एग्जाम्पल एटम बम किसने बनाया? किसने एटम बम बनाया? सूरत फील ने, अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जरा एक्सप्लेन करेंगे आप, मुझे नहीं इस चीज का नाम। तारा कैफ फाल रब्बू का बे असाबिल फील, जब इब्राहिम ने जब मक्के पे हमला किया ना, तो वो जो अबाबिल की फौज आई, ठीक है, उनके पंजों में जो कंकर था, ठीक है, ठीक है, फजा अलहुम कस्फ माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भोसे की मानंद कर दिया। वो जो कंकर था वो हाथी सवार के सर पे पड़ता था, ठीक है, और उसको चीरता हुआ, उसके हाथी को चीरता हुआ, उसको भोसे, फजाला हम कस्फ माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भोसे की मानत कर दिया। यानी आपका कहने का मतलब है वो जो कंकर थे परिंदों के, वो एटम बम थे? हाँ, हमने क्या किया, हमने उसको पढ़ा और ऐसे रख दिया। अच्छा, तो अंग्रेज ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अल्लाह के काम है, ये अबाबिल कंकर लाया कहाँ से? ठीक है, ये कौन सा पहाड़ है जहाँ से ये कंकर लाया? उन्होंने उस पहाड़ को तलाश किया, जब उन्होंने कंकर पे रिसर्च किया तो वो यूरानियम पत्थर का, ठीक हो गया, तो उसे एटम बम बना, उन्होंने तो 1914 में चला दिया। भाई साहब, चाचा की बातें सुनकर साइंस दम तोड़ लेगी। चाचा का कहना है 1400 साल पहले यूरेनियम था ही नहीं।
और साइंटिस्ट क्या करे बेचारे, जॉब छोड़ दे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग इतना जज्बा ईमानी लेकर, जाहिल कहीं के, गधे कहीं के, उल्लू के पट्टे कहीं के, सुअर। देखें हमारी बुक में आप ये बोल रहे हैं कुराने पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कोई था, लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। इसका मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। चाचा इससे एक बात साबित होती है कि तुम निकम्मे हो भाई साहब, इनका मानना तो देखो कि गोरों ने है ना इनकी किताबें पढ़कर और फिर तरक्की की है, फिर कुछ बने हैं। क्या बोलूं मैं अब, तो खुद क्यों नहीं बने, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना तुम्हारे जीन में। जाहिल बोल हुआ इसके, हम जाहिल हुए, हम जाहिल इसलिए हुए कि हमारी जो चीज थी, एक चीज हमारी है, हमने तो उस पर रिसर्च नहीं किया। ऐसे ही है, हमने भी किया अमल, लेकिन उनके जैसा नहीं, उन्होंने हमारे से पहले कर लिया। अच्छा आपके, आपका कहने का मतलब है कि वो जो कंकर थे, वो जिस पहाड़ से आए थे, वो यूरेनियम का या मतलब इस तरीके से पहाड़ था जिसमें केमिकल ऐसे थे, और वो गोरों ने, हाँ जी उन्होंने तलाश किया, और उन्होंने तो एटम बम 1914 फर्स्ट ग्रेड बार उन्होंने उस पे यूज किया, सेकंड ग्रेड बार 1942 उसमें यूज किया। ठीक है, जो लोग देखने वाले हैं जरूर बताइएगा, ये जो सर ने अभी बात की है सारी के भाई कुरान पाक में एटम बम का जिक्र था, जो लिंक दिया है कि भाई ये चीजें क्या इसमें कोई लॉजिक है, जरूर बताइएगा। सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और दूसरे नंबर पे जो मजीद यहाँ पे लोग मौजूद है उनसे भी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी जी जी, फॉर एग्जाम्पल वन पीस की बात की है, वरना टोटल कलाम पाक साइंस है, टोटल कलाम पाक हदायत है, अल्लाह के नबी का फरमान जो है ना, उसमें हर बात की हिकमत है, हर बात का। लेकिन वो सारी साइंस जो उनसे गोरे करते जा रहे हैं, हम जो उनसे मुसलमान सिर्फ हम फिर सरतन से जुदा, या जहान नलायकी है ना ये, अपना जज्बाती बातें के सरतन से जुदा ये वो, अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं, और हम अपने ही कवानीन की, और हम उल्टा कवानीन पे अमल कर रहे हैं। उल्टा हम ये कह देते हैं कि वो लोग साजिश, इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहे हैं, तो हमसे बेहतर तो। हाँ लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना, क्या उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा, अच्छा आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं, और हमें आखिरत में क्या मिलेगा, यानी हमें सजा मिल के फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। ठीक है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है, आखिरी नबी की उम्मत ही। चले जी अच्छा लगा बात करके, मजीद जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो भाई चाचा की बातें सुनकर मेरे को तो हंसी आ रही है, वैसे ये दावे करते हैं इनके लिए धरती चपटी है और पहाड़ जो है वो इसलिए है क्योंकि धरती उड़ जाती, उड़ने से बचाने के लिए किले रोप रखे हैं धरती में। इन चाचा के अकॉर्डिंग पहाड़ नहीं है, वो किले ठोक रखे हैं ताकि पृथ्वी उड़ के ना भाग जाए। अब चाचा से पूछा गया कि भूकंप क्यों आते हैं, तो चाचा ने बोला कि जो हिंदुओं के देवता है ना हनुमान जी बजरंग बली, उन्होंने संजीवनी बूटी के लिए एक पहाड़ को उखाड़ दिया इसलिए धरती हिलती है। क्या साइंस है और क्या थ्योरी है। और भाई साहब मेरे समझ में नहीं आता, इनका मानना है कि भाई बाकी जैसे यहूदी हो गए, इजराइल हो गया, उन्होंने और जो अंग्रेज है उन्होंने इनकी जो कुरान है या कौन सी बुक है उनसे पढ़कर और फिर तरक्की की है। तो बस मेरा सवाल यही है कि तुम क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तानियों, तुम्हारा बेड़ा गर क्यों है, जागो, कब तक भीख पर पलते रहोगे यार, कब तक। तो ये था आज का वीडियो, पाकिस्तान में कॉमेडी कभी खत्म नहीं होगी, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यू गुड टू भाई।